इंडियन टेलीविजन में हर हफ्ते कई रियलिटी शोज करते हैं आपको एंटरटेन। जजेस अपनी कुर्सी पर बैठकर करते हैं जीत और हार का फैसला। लेकिन कभी आपने सोचा कि सबसे बड़ा रियलिटी शो खुद जिंदगी है, जहां कभी हार है तो कभी जीत है। और सबसे खास बात, जिंदगी नाम के इस रियलिटी शो का जज और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं, क्योंकि हमारे जिंदगी क्रॉस रोड यानी कि दोराहे पर आकर रुक जाती है, थम जाते हैं हम और समझ नहीं आता कि किस राह को चुने। जिस माँ ने कोख में प्यार से अपने पहले बच्चे की उम्मीदें पाली हों, और सबके लिए अच्छा होगा अगर ये बेबी इस दुनिया में ना आए तो एक क्रॉस रोड पर ही तो होगी वो माँ, बच्चे को जन्म दे या ममता को मार दे। एक खत्म होती क्रिकेट एकेडमी के कोच के सामने कोई दौलत रख दे। क्रिकेटर को जितनी इज्जत मिलती है उतनी ना ही किसी फिल्म स्टार को मिलती है और ना ही किसी पॉलिटिशियन को मिलती है। ये इज्जत मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ। तो एक गुरु के सामने क्रॉस रोड ही होगा, एकेडमी बचाए या योग्य को चुन के गुरु का फर्ज निभाए। बेटी के इलाज में जिस पिता के लिए एक एक पाई जोड़ना मुश्किल हो, और इतने सारे पैसे नहीं विलास, किसी की मेहनत की कमाई है, उसे छूना पाप है। अरे अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा प्यारी है कि तेरे को तेरी ईमानदारी। वो पिता एक क्रॉस रोड पर ही तो है, पैसे लौटाए या बेटी की जिंदगी बचाए। जिंदगी में हर दिन है ऐसी ही कश्मकश, हर दिन जी जाती है नई कहानी और हर दिन होते हैं नए इम्तिहान। टाटा एस गोल्ड प्रेजेंट्स क्रॉस रोड्स अभी आएंगे आपके सामने। नमस्कार, मैं हूं राम कपूर। वेलकम टू टाटा एस गोल्ड प्रेजेंट्स जिंदगी के क्रॉस रोड्स। जिंदगी कभी कभी ऐसे दोहराए पर खड़ी होती है जिसमें एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। आप सब भी अपनी राय और विचार सोनी लिव ऐप डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज डाउनलोड करिए अभी। आज की कहानी पहले प्यार की कहानी। अब अगर मैं आप सबसे आपका पहला प्यार डिस्कस करूं तो शायद आप लोग सब अपने हस्बैंड्स, वाइव्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। जरा सोचिए, रियलिस्टिकली असलियत में हम सब का पहला प्यार हमारी माँ के साथ होता है। उसी तरीके से हर एक मां के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कुछ तो हो ही नहीं सकता, राइट? तो क्या एक मां का प्यार कभी भी क्रॉसरोड्स पर आ सकता है? आइए देखते हैं। कोई हमें मम्मी डैडी बुलाने वाला है या बुलाने वाली। मिस्टर मिसेस मेहरा, यू कैन कम प्लीज। थैंक यू। आओ। हाय रागिनी। हाय भाभी, हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? हाय भैया, कैसी हो? कितने पतले हो गए आप। पतला का हो गया, सारा दिन टीवी देखता रहता है, समोसे खाता रहता है। ओ, काम भी करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। आप इसको प्लीज समझाओ यार, थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह भी किया करे। देखो नेहा, मेरे सपने इतने बड़े हैं कि उनके पीछे भागते भागते मेरी एक्सरसाइज हो ही जाती है। सीरियसली मैम। हेलो रागिनी,
क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों? Yeah, you look really tense. भाभी, मैंने आपके प्रेगनेंसी के सारे रिपोर्ट्स देख लिए हैं, अल्ट्रासाउंड एंड एवरीथिंग. हाँ तो भाभी, आपके केस में फीटल डेवलपमेंट जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है. मतलब एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट जो हमने पिछले हफ्ते ली थी, उसके सारे रिपोर्ट्स आ गए हैं और उससे क्लियरली पता चल रहा है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का जितना ग्रोथ होना चाहिए वो क्या वो नहीं हुआ है. There should have been a lot more activity in the womb. Let me explain. बच्चे का सर पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच उसके बाकी बॉडी मूवमेंट्स भी सिवियरली डिलेड है. जिंदा तो होगा भाभी, बस नॉर्मल नहीं होगा. नॉर्मल नहीं होगा कैसे? उसके मोटर स्किल्स खराब हो सकते हैं. मैं घुमा फिरा की बात नहीं करना चाहती, पर ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाना जो जिंदगी से कोप ही ना कर पाए, जिसके लिए हर दिन एक सजा जैसी हो, आई डोंट थिंक इट्स राइट. नॉट ओनली फॉर यू बोथ, बट बेबी के लिए भी ये सही नहीं होगा. आर यू सेइंग दैट हमें अबॉर्शन? नेहा, एक मिनट. रागिनी, इसके पहले कि हम कोई बड़ा कदम उठाए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मेडिकेशन या कुछ भी. आई विश होता भैया, बट वी आर वे पास्ट दैट स्टेज नाउ. एक बहन के नाते नहीं, मैं एक डॉक्टर के नाते आप दोनों को समझा रही हूँ. सबके लिए अच्छा होगा अगर ये बेबी इस दुनिया में ना आए तो. और 20 हफ्ते भी नहीं हुए, विच मीन्स यू कैन स्टिल लीगली अबॉर्ट द चाइल्ड. आप दोनों के पास अभी भी टाइम है. प्लीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप सो. तो होगा भाभी, बस नॉर्मल नहीं होगा. ऐसे बच्चे को इस दुनिया में लाना जो जिंदगी से कोप ही ना कर पाए, जिसके लिए हर दिन एक सजा जैसी हो, आई डोंट थिंक इट्स राइट. सबके लिए अच्छा होगा अगर ये बेबी इस दुनिया में ना आए तो. पता नहीं हमने कौन सा गुनाह किया कि हमें ये सजा मिल रही है. प्लीज, रागिनी ने जो कहा उस पर गौर करना. नेहा को इस क्रॉसरोड पर क्या फैसला लेना चाहिए? हमारी घर बैठी ऑडियंस, आप भी अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए सोनी लिव ऐप के जरिए. आप क्या सोच रहे हैं? आपकी तारीफ? माधवी जी बोलिए. मेरे हिसाब से अबॉर्शन करना चाहिए. क्यों? क्योंकि मेरे साथ ये सब हुआ है.
क्या हुआ था आपके साथ? गायनिक टोल्ड मी दैट इट इज नॉट नॉर्मल. ओके. मेरे को 3 महीने का बच्चा अबॉर्ट करना पड़ा. क्योंकि गायनिक ने बैठ के बहुत एक्सप्लेन किया, जिंदगी भर आप तकलीफ में गुजरने से तो अच्छा है अभी आप एक स्टेप ले लो, और ऐसी कोई बात नहीं है, आप अभी भी यंग हो, यू कैन गो फॉर अनदर चाइल्ड. देन आफ्टर अ वीक वी टुक दैट स्टेप. और ये कितने साल पहले की बात है? 20 years back. You okay? नहीं, माइक यहीं रख लीजिए. इसीलिए ऐसी क्रॉसरोड्स हम इस शो में डिस्कस करते हैं. 20 साल के बाद भी ऐसा इमोशन निकलता है. और कौन जी, इनको जरा माइक दीजिए. मेरा नाम लवलीना जोशी है. हाँ जी. मेरा भी बेटा स्पेशल चिल्ड्रन है, 22 okay. साल का है. 22 साल का. लेकिन जो स्टोरी को जो मैंने देखा, मुझे लगता है कि इनको अबॉर्शन करा लेना चाहिए. आपका बच्चा स्पेशल नीड्स का है, फिर भी आपको लगता है? मैं बोलती हूँ क्योंकि सबका इमोशन होता है कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इतना ही कुछ नहीं होता है. जब डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं है, उसको आने के बाद आप सोचिए कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी. माँ तो सफर करेगी, बच्चा ज्यादा सफर करता है. तो आपको बच्चा पैदा होने से पहले आपको पता था? जी नहीं, मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, मुझे पता ही नहीं था. अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं पता था. अगर मुझे पता होता तो शायद मैं कोशिश करती कि मैं उसको दुनिया में ले लाऊं. यस मैम, आपकी तारीफ. मेरा नाम मीना मिश्रा है. जी बोलिए. मुझे ऐसा लगता है कि नेहा को ये बच्चा अबॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, इनको देखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को, और बहुत ही ध्यान देने की जरूरत पड़ती है. आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर एन एनेक्डोट. जी. लोगों ने अखबार में भी पढ़ा होगा, एक फैमिली है जहाँ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई थी, और उन लोगों ने सोचा कि हमें बच्चा चाहिए. 10 साल तक बोथ द पेरेंट्स हैड टू वर्क. किसी तरह से उन्होंने एडजस्ट किया, संभाला, एक केयरटेकर को रखा था, एक गवर्नेंस रखी थी, बहुत कुछ किया उन्होंने. 10 साल बाद अचानक से बच्चा मिसिंग. किसी को नहीं मालूम बच्चा कहाँ गया. पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पता चला कि इट वॉज द फादर हु हैड गॉन एंड थ्रोन द चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अ रेलवे ट्रैक. ओह गॉड. It was the father's confession later on, so you can understand the plight of a father. लेकिन सिर्फ प्यार से और ऐसे emotional होने से काम नहीं चलता है. Life में we have to be practical. Hello, auntie, आपकी तारीफ. कश्मीरा भट्ट, मैं मुलुन से हूँ. ये केस में मैं जरूर कहूंगी कि उनको abortion नहीं कराना चाहिए. नहीं कराना चाहिए. नहीं कराना चाहिए. क्योंकि देखो, एक बात मैं जरूर कहूंगी, भगवान सोच के देता है. स्पेशल चाइल्ड उन्हीं को देते हैं, दोज आर स्पेशल पेरेंट्स. उसमें उतनी ताकत भी भगवान देते हैं कि आप ये बच्चे को जरूर संभाल सकोगे. जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इनको जरा. अच्छा, एक नई आवाज. हाय, आपकी तारीफ. सर मेरा नाम शोएब है. जी. तो मैं इसी इंसिडेंट को कंटिन्यू करता हूँ. लेकिन ये हो गया, इनको हाँ. पता है, ये पेरेंट्स को पता चल गया कि इनको अब अबॉर्ट कराना चाहिए. दे आर फीलिंग वेरी टेंस. ये लोग वापस जा रहे घर, एक्सीडेंट हो गया, इनकी वाइफ को मतलब थोड़ा हार्म हो गया और उनके पैर चले गए. वो अचानक से स्पेशल हो गई. उसके अब सोसाइटी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. हमारी लाइफ, हम अपने आप को एज अ गॉड एक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, भगवान देते हैं, भगवान सर देख के सरदारी देता है हम लोगों को. ठीक है, कि जब बच्चा होता है ना, बच्चा बहुत मासूम मासूम सा चीज होता है, हम लोग उसको अबॉर्ट कराएंगे, मतलब कैसे कर सकते हैं? मतलब हम लोग हैवान थोड़ी ना है. एक मिनट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है, थैंक यू.
एक सेकेंड, इस पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं. शोएब ने अभी कहा हम में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाए और हम अपाहिज हो जाए, वेजिटेबल बन जाए, कोमा में चले जाए, ऐसा होता है, बहुत होता है. अब अगर हम खुद स्पेशल नीड्स वाले इंसान बन जाएं, क्या हमारी जिंदगी खत्म होनी चाहिए? और अगर हमारी नहीं खत्म होनी चाहिए तो उस बच्चे की जिंदगी क्यों खत्म करें? जी इनको जरा माइक दे दीजिए. नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर अवनी व्यास. जी डॉक्टर, आपका आप कहाँ से? राजकोट, गुजरात से. गुजरात से, बोलिए. नहीं करना चाहिए अबॉर्ट, क्योंकि मेरा भाई स्पेशल चाइल्ड है. ओके. 21 साल का है, सेरेब्रल पाल्सी है उसको. सेरेब्रल पाल्सी, ओके. जब हमें मालूम हुआ कि ही इज अ स्पेशल चाइल्ड, और मैं उसे स्पेशल चाइल्ड नहीं कहती, हमारा परिवार उसे वेरी 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 स्पेशल चाइल्ड कहता है. और मेरे पापा उसे जीता जागता ठाकुर. नमस्ते. मेरे पापा है, जीता जागता ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा करना है, कपड़े बदलना, ये हो तो हमारे घर में तो खुद भगवान जी ने जन्म लिया है, तो हम जी रहे. और मैं डॉक्टर हूँ उसकी वजह भी वही है. ओ. क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ज्यादा असर करती है जी. तो इसकी रूट जो है सेरेब्रल पाल्सी की, वो आयुर्वेद में मिल जाती है, तो उसकी वजह से मैं आज आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ. ओ वाओ. जरा अपने पिता को जरा, आपका नाम सर? माय नेम जितेंद्र कुमार व्यास. बोलिए. मैंने बच्चे के लिए, उसकी शादी हुई उसको केयर कौन करेगा, तो मैंने सर्विस छोड़ दिए सर. 75,000 सैलरी थी महीने, और मैंने छोड़ दी. सर आप जरा हाथ मिलाइए, बहुत महान इंसान है आप. नहीं सर. अभी भी कोई है या जो लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि नहीं अबॉर्शन ही बेटर है, उनकी राय सुनना चाहूंगा. आप ओके, प्लीज इनको जरा माइक दीजिए. हाय, आपकी तारीफ. जी मेरा नाम प्रिया शर्मा. जी बोलिए प्रिया जी. सर इन लोगों ने जो सारी बातें बताई वो अपनी जगह पर ठीक हो सकती हैं जी, लेकिन सबसे बेटर ये इस स्टोरी के हिसाब से इन मैडम को बच्चा नहीं रखना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये बच्चा धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता रहेगा वो अपने आप से भी खुश नहीं होगा, और आगे चलकर आज के माहौल और आज के समाज के हिसाब से माँ बाप उतना टाइम उस बच्चे को नहीं दे पाएंगे, और बाद में आगे चलकर वो खुद सोचेंगे कि अच्छा था कि मैं इसे पैदा ही नहीं करती, क्योंकि आजकल के माहौल में वो अपनी फ्रीडम ज्यादा चाहते हैं. लेकिन आजकल के माहौल में एक ऐसे बाप भी तो है. भले ही एक ऐसे बाप भी है, लेकिन इनसे भी अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं इन्हें भी इस बात का दुख होता होगा कि ये बच्चा ऐसे नहीं होना चाहिए था. इसलिए सर मैं चाहती हूँ ऐसा बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए. कौन अग्री कर रहे हैं इनके साथ, डिसएग्री कर रहे हैं आप? डिसएग्री कर रहे हैं. नहीं एक मिनट, माइक पे. हाँ हाँ माइक पे बोले. मैं डिसएग्री कर रही हूँ इनकी बातों से जी. माँ एक ऐसी औरत है, भगवान ने माँ का रूप ऐसा बनाया है. मैं भी बहुत ही प्यार से पली बड़ी हूँ. नाते ही आपको उस बच्चे को ऐसी जिंदगी नहीं देनी चाहिए जिससे कि वो बच्चा परेशान हो. करेक्ट. ये इनके स्टोरी में इनको पहले से पता हुआ इसलिए. लेकिन मैं बताना चाहती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ. मेरा नाम है मनीषा. मैं मुलुंड से हूँ, और मैं मुंबई में माँ के घर पे पली बड़ी हुई. शादी के 1.5 साल बाद मुझे स्पेशल बच्चा हुआ, जो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा स्पेशल बच्चा है. 3 महीने के बाद जब हेड होल्डिंग शुरू हुआ नहीं उसका, तभी पता चलने लगा. हालांकि मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर, मेरे फैमिली में सब डॉक्टर, लेकिन हमने उस नजरिए से ही नहीं देखा कि ये स्पेशल चाइल्ड है. धीरे धीरे रास्ता अपने आप निकलते गया, और आज उसकी उम्र 27 साल है. नॉर्मल बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे, मेरा कहना ये है दिक्कत तो रहती है. दिख रहा है, थोड़ा वक्त जब गुजरेगा आपको ये नहीं, क्यों मैं मेरी जिंदगी आराम से जी रही हूँ. 27 साल गुजर गए. नहीं डियर, क्या हुआ डियर मेरी वो सुनिए. जब तक आप खुद फिट हैं आप सोचेंगी. नहीं नहीं नहीं, मैं आपको वही बताती हूँ. मैं खुद फिट हूँ, मैं सोशल हूँ, मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, मैं एक्टिव हूँ, मैं ड्रामा में पार्ट लेती हूँ. मेरी लाइफ में नॉर्मल जीती हूँ. मेरी लाइफ में नॉर्मल जीती हूँ विद अ स्पेशल चाइल्ड. आई एम साक्षी. जी बोलिए. मैं खुद भी एक स्पेशल बच्चे की माँ हूँ जी. मैं ये एक्चुअल स्टोरी बोल रही हूँ. मेरी घर के नेबर में ये फैमिली थी जिसकी माँ, मैं जब 4 साल की थी तब से मैं सुन रही हूँ उनके मुँह से
कि शायद मुझे पता होता तो मैं इस बच्चे को जन्म ना देती। बच्चा जन्म हो जाता है और हमें पता चलता है तो हमें झूठना है, मतलब वी हैव टू फाइट, हमें करना है उनके लिए। आज वो माँ जिसको मैं देख रही हूँ, उसकी बेटी 41 इयर्स की है, माँ 70 की है, वो आज भी उसको उठाती है, उसके पैड्स चेंज करती है, उसकी पॉटी साफ करती है, उसका खाना खिलाने के बाद वो खाके सोती है और सोते वक्त बोलती है, भगवान मैं मरने के पहले इसको ले जा, मैं मरने के पहले इसको ले जा। ये जिंदगी कोई किसी को ना दे। बोलना बहुत आसान है, बिल्कुल सही, मगर उस दौर से, उस माँ के दौर से जाना बहुत ही मुश्किल है। हर एक माँ में उतनी हिम्मत नहीं होती और हम हमारे बच्चों को किसी के भरोसे छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे जैसा मन, हमारे जैसा दिल हमारे बच्चों में भी नहीं हो। आज मेरी स्पेशल चाइल्ड के बाद मेरी बेटी है राम जी, बट आई डोंट थिंक That tomorrow I am fear, मेरे दिल में वो फियर है कि मैं जाने के बाद क्या वो अपने भाई को देख सकेगी। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना तो कुछ करके जाऊँ कि मेरे बेटे को मरने के लिए बाद उस संपत्ति के लिए एटलीस्ट कोई मेरे बेटे को देखे। मैं एजुकेटेड मदर लाइक मी, आई रन द NGO, आई ट्रेन किड्स, आई गिव देम जॉब, बट आज भी मैं मेरे बेटे के लिए भी वो डर लेके हुए जी रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये अपने बेटे के लिए वो डर के साथ जिए। अगर डॉक्टर ने मुझे भी पहले बताया होता तो शायद मैं वो डिसीजन लेती, मैं उस बच्चे को दुनिया में नहीं लेके आती। फैंटास्टिक मिसाल है। देखिए हम सब राय दे सकते हैं, बोलना बहुत आसान होता है, बट टिल वी आर नॉट इन इट हम नहीं फील कर सकते जो ऐसे लोग फील कर रहे हैं। इस बेहद सेंसिटिव इशू पर इंडिया क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। नेहा की जिंदगी के इस क्रॉसरोड पर आइए देखते हैं देश की क्या राय है। मुंबई से स्नेहा की राय है कि नेहा को अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए गर्भपात करा लेना चाहिए। नई दिल्ली से शैला का मानना है कि एक बच्चे को जन्म देना तो हर औरत का सपना होता है, तो फिर वो उसकी जान कैसे ले सकती है। आगरा से चिराग का कहना है कि बच्चा गिराना पाप है, हम भगवान के फैसलों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सलाह देना डॉक्टर का काम है, लेकिन इस कहानी में अबॉर्शन करना है या नहीं करना है ये फैसला सिर्फ नेहा को ही लेना है। बच्चा अभी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से वो माँ तो है। देखते हैं नेहा ने क्या फैसला लिया है। इसमें से बहुत सारे नाम है, मुझे तो आदित्य पसंद है। विष्णु भी अच्छा नाम है। नेहा मैंने बच्चे का नाम आदित्य सोचा, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है, लेकिन लड़की हुई तो वैष्णवी रखेंगे। ये लो राहुल आ गया, उससे पूछते हैं। राहुल बेटा ये लड़की का नाम वैष्णवी बोल रहे हैं, मैं लड़के नाम आदित्य बोल रही हूँ, कैसा रहेगा? अरे भाई मैं पहली बार दादा बन रहा हूँ, मेरा कोई हक बनता है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आप चाय पीजिए पहले, फिर और। ये सब क्या हो रहा है, हंसी मजाक, नाम चूज किए जा रहे हैं, व्हाट्सअप क्या, इसमें इतना मुश्किल क्या है? इट्स सिंपल, मैंने डिसाइड किया है दैट आई वांट टू कीप द बेबी। नेहा कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है। राहुल मैं हमेशा से भगवान में विश्वास करती हूँ और मेरा मानना है कि ऐसा बच्चा मेरी कोख में आया है, इसका कोई तो रीजन होगा ना। मुझे नहीं पता ये कोई सजा मिल रही है कि नहीं, बट ऑल आई नो इज कि मैं हमेशा से माँ बनना चाहती थी एंड फाइनली मुझे ये मौका मिल रहा है। राहुल कई बार हमारी किस्मत हमें उसी रास्ते पर मिलती है जो रास्ता हम नहीं लेना चाहते। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, पर इस वक्त मैं ये नहीं सोच रही कि इसकी वजह से मुझे कितनी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट इज कि माँ बनने के बाद मुझे कितना सुख मिलेगा।
इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े और आपको दिखाएं, जल्दी से थोड़े से रिएक्शंस चाहूंगा। कैसी फीलिंग्स आ रही है नेहा का डिसीजन जानने के बाद? पॉजिटिव। बहुत खुशी है जो उसने डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं भी काफी देर से ये कहना चाहती थी कि उसे अबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। ओके। मेरा ये कहना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लिखने पढ़ने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो एक कोई ना कोई हुनर लेके पैदा होते हैं। इनका मानना है कि अबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। एंड शी इज वेरी हैप्पी कि नेहा ने ऐसा फैसला लिया है कि वो बच्चा रखना चाहती है। इनको जरा माइक दीजिए। जी, आपकी तारीफ। सर, मायसेल्फ सुप्रीत। ओके। जब भी मैं ऑर्फनेजेस या शेल्टर होम्स में गई हूँ, हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वहाँ पे जितने भी ज्यादा बच्चे लोग छोड़ के जाते हैं वो स्पेशल चिल्ड्रन या डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं। पैदा सब करना चाहते हैं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते हैं हम लोग? यहाँ पे माँ चाहती है कि वो बच्चे को पैदा करना चाहती है, क्योंकि माँ के लिए एक एहसास आई एम श्योर बहुत अलग होगा, लेकिन हस्बैंड अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक माँ की जिम्मेवारी है उस बच्चे को बड़ा करना? ये सिर्फ एक जने की नहीं, पूरे परिवार को मिलके उस बच्चे को पालना है, बड़ा करना है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक यहाँ पर जैसे कि आपने कहा, हस्बैंड के सपोर्ट होना बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हस्बैंड वाइफ को पूरी तरह सपोर्ट करे, वाइफ की डिसीजन को पूरी तरह सपोर्ट करे, तो फिर हस्बैंड के माँ बाप ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जी अंकल, आपका नाम? मेरा नाम बीवी जोशी है। मेरा भी एक लड़का है, और पिता का दर्द क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिता को भी दर्द होता हो। जी बोलिए। मेरा एक ही लड़का है। ओके। और वो चल भी नहीं सकता था, डाउन सिंड्रोम था, और मेरी मिसेज बहुत साल पहले गुजर गई। मैंने उसको खड़ा करने के लिए मेरे पूरा लाइफ उसके लिए दे दिया। आई एम इंजीनियर। अभी वो मेरा लड़का है 29 साल का। ये बहुत बड़ी दुख दर्द होता है, इसलिए आपका नाम क्रॉस रोड रखा है। हम हर रोज क्रॉस रोड पे जाते हैं, हर रोज क्रॉस रोड पे ही खड़े होते हैं। अभी इनका हस्बैंड पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो दिखाइए, वो क्या डिसीजन लेता है। कहते हैं इमोशन में आकर लाइफ का कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, लेकिन जब बात बच्चे की हो तो क्या एक माँ इमोशन को इग्नोर कर सकती है? नेहा के इस फैसले पर इंडिया का क्या कहना है, आइए देखते हैं। सोनी लिव के जरिए हमें देश के कोने कोने से आपकी राय मिल रही है। आज के पोल्स देखकर तो यही लग रहा है कि देश की आवाम बटी हुई है। 45% नेहा के फैसले से सहमत है कि उसे बच्चे को नहीं गिराना चाहिए। दूसरी तरफ 55% लोगों का मानना है कि नेहा को गर्भपात करा लेना चाहिए। आप भी हमसे जुड़े रहिए सोनी लिव ऐप के जरिए। आइए देखते हैं नेहा के फैसले के बाद क्या होता है। Congratulations, भैया, it's a boy. नेहा और बच्चा? She's fine. भैया, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है। But the good news is that he's very good looking, just like his father. Thanks. क्या मैं? Of course, you can meet them. I'll see you later, okay? Congrats.
कितना क्यूट है, है ना? आजा ब्लो कर दे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Aditya. दादी कहाँ गई? नेहा, सब जा रहे हैं, आ जाओ। हाँ, आ रही हूँ। मम्मी जी, प्लीज दो मिनट इसको लेंगी आप, मैं जरा। अरे बेटा, मेरे ना कल से हाथ में बहुत दर्द हो रहा, तो मैं तो उठा नहीं पाऊंगी। तू एक काम कर, सोफे पे बिठा दे, मैं यहाँ से देख लूंगी। हाँ, बिठा दे इसे यहाँ पर। हाँ क्या हुआ? किसी भी और 4 साल के बच्चे को देख लो, लोग उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसे गोद में लेना चाहते हैं, उसे हंसाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे के साथ कोई खेलना नहीं चाहता है। खेलना तो दूर की बात, उसके पास आने को 2 बार सोचते हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती नहीं है? क्यों, हमारे बच्चे को किसी और के प्यार के लिए तरसने की जरूरत नहीं है, हमारा प्यार काफी है। और आदि चाहे जैसा भी हो, मेरे लिए सही है। राहुल, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन हालातों में रिएक्ट कैसे करना है वो हमारे ऊपर है। मेरा, आप कैबिन में वेट कीजिए प्लीज, मैम आ रहे हैं। ओके, कंग्रेचुलेशंस भाभी, आपके प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स आ गई है एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, द बेबी इज वेरी हेल्थी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बस आप अपनी मेडिकेशंस लेती रहिए एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके सो मच रागिनी। थैंक गॉड रागिनी, तुम्हें पता नहीं मुझे कितना टेंशन था। Don't be silly भैया, in fact आप दोनों से ज़्यादा tense तो मैं थी। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना relieved हूँ। पूरी रात मैं यही सोचा रहा कि क्या अगर हमारा ये भी बच्चा आदि की तरह। Hello
भैया भाभी मैं आप दोनों से कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ. ओके, किस बारे में? आपके बारे में और आदि के बारे में. ओ क्या, क्यों ना हम आदि को एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन में डाल दें? बट आदि में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इंस्टीट्यूशन में क्यों डाल दें? नहीं, आई एम सो सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था. मैं बस बोल रही हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में लाइफ स्किल्स लर्न किए जा सकते हैं, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा और आदि भी सीख जाएगा कि ज़िंदगी के साथ कोप अप कैसे करते हैं. मैं बस आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आदि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके साथ साथ आपकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, तो प्लीज़ मेरी बात पर गौर कीजिए. भाभी. नेहा. हाँ. सॉरी भाभी, अब जब घर जाओगे तो मैंने जो भी कहा उसके बारे में प्लीज सोचिएगा. उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने सोच लिया है. मेरे दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर है कि आदि मेरा हिस्सा है, वो मेरा खून है. ही इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. भगवान ने उसे मेरी ही गोद में क्यों डाला? उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन है. I believe that. So please, request. इस टॉपिक पर मुझसे दोबारा बात मत करना. शोर मचा रहे थे तो सुनाई नहीं दिया. What do you mean? तुम जानते हो ना आदि को हर वक्त अटेंशन की जरूरत है, तो थोड़ा ध्यान नहीं दे सकते? आज मेट की भी छुट्टी है. सॉरी बोला ना, क्या 24 घंटे आया का काम ही करता रहूं क्या? आज के लिए ही तो कह रही हूँ. तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई लगाव ही नहीं है इससे. अभी ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो. और फिर वो जो राक्षस था ना, एकदम से गायब हो गया. गायब? गुम. कहाँ गया? बेड के नीचे. समायरा बेटा, आज मम्मी के साथ सोओगे? नहीं, मुझे दादी माँ के पास सोना है. इसे यहाँ सोने दे. आपकी कहानियों ने पता नहीं क्या जादू कर दिया इसके ऊपर, मेरे साथ तो सोना ही छोड़ दिया इसने. चलिए कोई बात नहीं, गुड नाइट. गुड नाइट. चीनी ठीक है? इट्स परफेक्ट. काम कैसे चल रहा है? एक डॉक्टर का ये कहना कि काम अच्छा चल रहा है, इट्स एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग. दैट्स ट्रू. भाभी, आई हैव सम ग्रेट न्यूज. मैं जानती हूँ कि आपने मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मना किया है, बट आई स्टिल हैव टू टेल यू. पुणे में एक स्पेशल केयर सेंटर है. इट हेल्प्स इन एड्स अंडर डेवलप स्पेशल चिल्ड्रन. पिछली बार जब मैंने आपसे कहा था कि आदि को इंस्टीट्यूशन में डालते हैं, तब मैं सिर्फ आपके बारे में सोच रही थी कि आपका काम शायद ईजी हो जाएगा, पर इस बार मैं सिर्फ आदि के बारे में सोच रही हूँ. लेकिन आदि को हम लोगों के सिवाय कोई हैंडल ही नहीं कर सकता, वो मैनेज ही नहीं कर पाएगा. मैनेज तो वो अभी भी नहीं कर सकता भाभी, उसे सच में प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है जो ये इंस्टीट्यूशन उसे दे सकता है. दादी, 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 छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं. सुमायरा तू ठीक है?
सुन, पानी पीगे, पानी बेटा, पानी ला, पानी ले जा। देख दादी है ना, चल ठीक है, देख ठीक है ना, तो जल्दी पानी ले ले, ले पानी पी, पानी शाबाश, ठीक है ना, ठीक है ना, तो चल। भाभी मैंने आपसे पहले भी कहा है, आदि बाकी बच्चों से अलग है, उसे भी आगे बढ़ने का हक है, लेकिन इस माहौल में वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। आप अपने ही प्यार में सेल्फिश हो रहे हैं। He needs to grow and this institution will help him grow. प्लीज भाभी, आदि के खातिर इस बारे में एक बार सोच लो प्लीज। नेहा को सपोर्ट नहीं मिल रही है इस माहौल में जब वो सब कुछ अकेला कर रही है। क्या करना चाहिए इस क्रॉस रोड पर, थोड़ा सा मेल पर्सपेक्टिव मिल जाए तो अच्छा होगा। हाय, एक नई आवाज प्लीज सर, इनको माइक दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम उदय मात्रे है, फ्रॉम नवी मुंबई। बोलिए। अभी नेहा को यह करना चाहिए कि बच्चे के अगर वो सही में प्यार करते तो बच्चे का भला भी उसको सोचना चाहिए। बच्चे का भलाई इसी में है कि वो घर से ज्यादा उस स्कूल में जाए जहाँ पर उसकी केयर करने वाले लोग हैं। बच्चे को जिंदगी निकालनी है, नेहा पूरी जिंदगी भर उसके साथ नहीं रहेगी। तो आप सोच रहे कि भेजना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, ना कि वो इमोशनली। ओके, थैंक यू, थैंक यू। आपने पहले से कहा था कि अबॉर्ट कर देना चाहिए, राइट? अब ये क्रॉस रोड आ गई है नेहा की जिंदगी में, अब क्या करना चाहिए उसे? सर उसको अभी भेज देना चाहिए। भेज देना चाहिए, क्यों? He becomes independent. For me as a mother, माँ हमेशा चाहेगी कि उसका बच्चा इंडिपेंडेंट बने। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा डिपेंडेंट बने। मैं ये पूछना चाहूंगा, एक माँ जिसने इतनी अच्छी तरह से अपने स्पेशल नीड्स वाले बच्चे की परवरिश की है, उस माँ के लिए क्या आसान होगा उसी बच्चे को अपने से अलग कर देना? एक मिनट, आप सोचते नहीं भेजना चाहिए, बोलिए क्यों? सर सबसे पहली बात तो जिस तरह से अभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इंडिविजुअली मदर उसको उसकी केयर कर रही है, एक इंडिविजुअल औरत नॉर्मल बच्चे होने के बावजूद भी लाइफ में सर्वाइव कर पाना आसान काम नहीं है सर। क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा टफ है जी। बोलना जेन्युइनली बहुत आसान होता है, लेकिन एक अकेली औरत को जब सर्वाइव करना पड़ता है विदाउट हस्बैंड, विदाउट फैमिली सपोर्ट, मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूं। जो भी आप लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि आप लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं और आप लोगों ने इतने इतने साल तक उनको सर्वाइव, मतलब उनको सपोर्ट अपने साथ में लेके चल रहे हैं। मैं हेड्स ऑफ करता हूं आप लोगों को, सैल्यूट है सर। एक मां से अच्छा उसे कोई नहीं पाल सकता। थैंक यू। आप जरा इनको माइक दे दीजिए। हाय हाय, आपका नाम? रहीम है सर मेरा नाम। ओके, सो बेसिकली ये वीडियो क्लिप देखने के बाद ऐसे लगता है कि जो हस्बैंड है उसका माइंड ही एक हैंडीकैप टाइप है। वेरी वेल सेड, सुपर। जब हम शादी करते हैं बेसिकली हम सात फेरे लेते हैं, तो उसमें साथ निभाने के भी कुछ फेरे होते हैं, सो इस वक्त वो क्यों नहीं है, फॉलो क्यों नहीं कर रहे? बहुत सही कहा आपने, आपकी उम्र कम है लेकिन बहुत सही कहा। इनको जरा माइक दीजिए। हाय हाय राम, आप बताइए अब क्या करना चाहिए? राम जी, आई एम ऑल्सो सिंगल मदर, मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसा हुआ, मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को बहुत चिढ़ाया जाता था। घर वालों से या बाहर के लोगों से? घर से भी बाहर से भी, स्पेशली फ्रॉम माय इन-लॉज साइड। ओके, माय मॉम साइड वाज वेरी सपोर्टिव, बट जब मैं सिंगल मदर हो गई तो मैंने ये, एक माँ जो होती है वो दुर्गा का रूप होती है, आप सब जानते हैं, और माँ अपने बच्चे के लिए अगर ढाल बन के खड़ी रहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मैं ऐसे फैमिलीज के पेरेंट्स को सजेस्ट करूंगी कि
अपने बच्चों को अगर आप दिल से दूर या अपने से दूर नहीं कर सकते, तो उस वक्त को भी लेट ना समझते हुए उस वक्त खड़े हो जाए अपने बच्चे के लिए ढाल बन के, एंड स्टार्ट एजुकेटिंग योर किड्स, एंड एक स्पेशल एजुकेटर लेके आओ घर पे और उसको ट्रेन करना शुरू करो। हाँ जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? अब नेहा को इस हालात में भेजना चाहिए स्पेशल स्कूल में या नहीं? नहीं चाहिए। नहीं भेजना चाहिए? नहीं चाहिए। अपने साथ ही रखना चाहिए? अपने साथ लड़ना चाहिए। अगर उसका फैमिली नहीं साथ दे रहे, उसके बच्चे के साथ वो भी वो स्पेशल इसमें चली जानी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तभी सेफ होएगा। माँ के बगैर वो बच्चा सेफ नहीं समझेगा अपने आप को, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची के लिए तीन जन और है देखभाल करने के लिए, मगर ये स्पेशल चाइल्ड पे खाली नेहा देखभाल कर सकती है। ओके, स्टूडियो ऑडियंस ने अपनी राय तो दे दी, अब वक्त है इंडिया की राय जानने का। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर आवाम की क्या राय है। इंदौर से फोरम का कहना है कि अब आदित्य को नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है। भोपाल से वैभव का कहना है कि आदित्य को उसकी माँ की जरूरत है और उसे नहीं भेजना चाहिए। मुंबई से श्रद्धा की राय है कि आदित्य और उसके परिवार की भलाई के लिए उसे तुरंत स्पेशल इंस्टीट्यूट भेज देना चाहिए। बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर की, अब आगे देखते हैं कि इस नई दुविधा को लेकर, इस नई क्रॉसरोड को लेकर अब नेहा कौन सा फैसला लेती है और उसके बाद क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोचा क्या करेंगे? वो कैसे रहेगा वहां? उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लेके कैसे जाएंगे उसे? कभी नहीं मानेगा वो। मम्मी, कहाँ जाना है? बेटा, भैया के लिए एक नया स्कूल है। क्योंकि उनके पास यहाँ फ्रेंड्स नहीं है, इसीलिए ना? हाँ, तो उन्हें कहना कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं और फिर उन्हें वहां से स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि भैया को पिकनिक बहुत पसंद है ना। उन्हें कहना कि वहां बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेगी और कोल्ड ड्रिंक्स भी। बहुत अच्छा आइडिया है। तुम होमवर्क करो अपना। नेहा, मुझे नहीं लगता हमें घबराने की जरूरत है। वो स्कूल वैसे भी यहां से बस 50 किलोमीटर दूर है, हम जब चाहे आदि से जाकर मिल सकते हैं। थिंक अबाउट इट। आपके बच्चे की तरह ही यहाँ कई और बच्चे भी हैं। बस ये समझ लीजिए कि ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए इससे बेहतर जगह आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हम आदि से कब कब मिल सकते हैं? जब आप चाहे। वैसे ये कोई क्लोज बोर्डिंग स्कूल तो है नहीं, और वैसे भी ऐसे बच्चों के लिए जितना प्यार मिले उतना अच्छा है। कई पेरेंट्स हर हफ्ते आते हैं, कुछ तो महीने में एक बार, और कई ऐसे पेरेंट्स भी है जो साल में एक बार आते हैं। वैसे आई गेस फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको तो बता दिया गया होगा, राइट? जी जी जी। चलिए, आराम से, आराम से, आराम से। मम्मा है बच्ची, मम्मा है, आराम से, आराम। बस बस बस, क्या हो गया? मम्मा, बस मम्मा, मम्मा है, मम्मा है, मम्मा यही है।
ये बहुत अच्छी जगह है बेटा, आज से आप यहीं रहोगे। और ये बेड देखो कितना अच्छा बेड है, ये पीछे वाला बेड मम्मा का है, देखो पास में ही है। आप रेस्ट करो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। हाँ बस अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। जल्दी चलो, देर हो रही है। आप लोग चलिए, मैं नहीं आऊंगी। क्या? राहुल आज से यही मेरा घर है। What do you mean? मैं आदि को अकेले नहीं छोड़ सकती। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था, भगवान ने आदि को मेरी गोद में डाला, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद है। यही है वो मकसद। I don't understand, तुम बोल क्या रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो मेरे दिल से निकल रहा है। अपने बच्चे को ऐसी हालत में अकेले छोड़ दो, ये कहाँ की पेरेंटिंग हुई? इनफैक्ट पेरेंटिंग छोड़ो, ये कहाँ की इंसानियत हुई? समायरा का क्या होगा? हमारी बेटी का दिमाग बहुत तेज है, अब इसे मेरी जरूरत नहीं। आदि को यहाँ लाने का आइडिया भी तो इसी ने दिया था ना। बहुत ही कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और सेल्फ सफिशिएंट लड़की बनेगी, इस पे मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है। और आप लोग हैं ना इसकी देखभाल करने के लिए, योर देयर, इसके दादा दादी हैं, लेकिन आदि का ख्याल रखने वाली सिर्फ मैं हूँ। और तुम्ही ने तो कहा था कि ये जगह हार्डली 50 किलोमीटर दूर है, तो जब भी मुझे मिस करोगे मेरी प्रिंसेस को लेकर आ जाना। I love you, Mama. I love you too, बेटा। यार है ना, जरूरी है क्या? हाँ बेटा, आदि भैया को मम्मा की जरूरत है और उन्हें अच्छी एजुकेशन यहीं पर मिल सकती है। So don't cry, मेरी अच्छी बच्ची, मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची। आप रुक जाओ। Yeah. You take care. Thank you so much. आप में से एक हैं यहाँ पर जिन्होंने यही कहा था कि ऐसा होना चाहिए, एक है जिन्होंने कहा था उसको भेजना चाहिए लेकिन वो अकेले नहीं रह पाएगा, माँ को उसके साथ रहना चाहिए, और वो है ये आंटी यहाँ पर जो अभी बहुत इमोशनल हो रही है। आपने सही प्रिडिक्ट किया था, जैसे आपने चाहा था वैसा ही हुआ। वो बच्चा माँ के बगैर रह ही नहीं सकता है। अगर वो लाई है दुनिया में तो मैं बोलूंगी उसका फर्ज भी तू ही निभा, उसको बच्चे को मत छोड़ो। मैंने ऐसा सुना है और अक्सर ऐसा देखा भी है कि माँ प्यार तो अपने हर बच्चे से करती है लेकिन केयर सबसे ज्यादा उस बच्चे की करती है जो किसी मामले में थोड़ा कमजोर होता है। भले हम मां की तरह ऐसे बच्चों का साथ ना दे पाए, ममता की नजर से भले ना देख पाए, लेकिन
समता की नजर से देखने की कोशिश तो कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ जिंदगी के नए क्रॉसरोड्स पर। टिल देन गुड नाइट, शब बख़ैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.